हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको जो गर्मी के सीजन में जो फल निकलता है उससे रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगा, वो भी बिल्कुल फटाफट के अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये है, पत्ते से भी आपको पहचान में आ रहा होगा, और फूल तो खैर साल में एक बार ही लगता है। तो ये है आम का फूल। तो बिहार में इसको मोजर भी बोलते हैं, बट ये जो साइंटिफिक नेम है ये फ्लावर कैटेगरी में आएगा अभी, क्योंकि अभी इसमें फल नहीं लगा है। तो ये है आम का फूल। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये हमारे पास है एक ये लीची का पेड़, जिसमें लीची में भी पेड़ फूल आ चुका है। तो ये भी गर्मी के सीज़न में ही लीची तैयार होता है, तो इसका भी फूल इसी मौसम में निकलता है। तो ये देखिए, ये लीची का फूल है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और ये अब इस मंथ में इसका जो फूल निकला है तो ये काफ़ी टाइम लेता है, ये बरसात के मौसम में तैयार होगा। तो इसको मंकी जैक या मंकी फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में या यहाँ के भाषा में इसको बरहर बोलते हैं। तो ये इसका भी सीज़न इसी महीने का है, और ये भी इसी महीने में इसका फूल निकला है, आप देख रहे होंगे। तो ये अभी काफ़ी बड़ा होगा, लगभग 1 किलो का एक हो जाता है जब ये पूरा तैयार हो जाता है। तो अभी इसमें 5-6 महीना से ज़्यादा का टाइम लगेगा, अभी काफ़ी छोटा है अभी। इसके पेड़ के अभी तो पत्ते नीचे गिर रहे हैं, फिर उसमें नया पत्ता आएगा, साथ के साथ ये साइज भी बड़ा होगा। तो अभी इसमें काफ़ी टाइम है। चलिए आपको हम नेक्स्ट दूसरा चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो फूल है ये नींबू का है, जो छोटा नींबू आता है मार्केट में, छोटे साइज का नींबू बिकता है, उसका ये फूल है, और ये भी लगभग बरसात के टाइम में ही तैयार होता है। तो इसका भी फूल इसी मंथ में निकला है। तो इस वाले मंथ में काफ़ी सारा ऐसा पेड़ है जिसमें इसी महीने में फूल निकलता है। तो एक ये नींबू का भी पेड़ है जिसमें ये फूल निकला हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट दिखाते हैं आप लोग। ये देखिए, ये है पामेलो का फूल, मीन्स की जो यहाँ लोकल भाषा में इसको गागर बोलते हैं। तो ये गागर में भी फूल निकल चुका है, आप देख रहे होंगे। तो ये गागर का भी सीज़न यही है, और इसी सीज़न में ये फूल निकलता है, और इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, 4-5 महीने का टाइम लगता है, उसके बाद फिर ये भी तैयार हो जाएगा। ये नेक्स्ट है चीकू का। तो चीकू में तो काफ़ी छोटा फूल होता है, इसलिए उसको मैं वहाँ पे पेड़ के पास नहीं दिखा सकता, क्योंकि काफ़ी हाइट पे होता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैं इसको तोड़ के लाया हूँ, तो ये चीकू का भी फूल लग चुका है। ये चीकू का फूल है, ये तो सालों भर रहता है, इसका कोई सीज़न होता ही नहीं है, सालों भर इसमें फूल निकलता है, सालों भर इसमें फल लगता है। तो ये चीकू के फूल का कोई सीज़न पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं कि इस सीज़न में ये निकलता है। तो चीकू का आप फूल देख लीजिए, ये ऐसा होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कुछ सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।